सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। काफी दिन पहले से ये रूमर्स आ रहे हैं कि रेटेड आर सुपरस्टार एज का ऑल इलीट रेसलिंग में हमें डेब्यू देखने को मिल सकता है, तो इसी चीज पे डिस्कस करने वाला है क्या ऑल इन पेपर व्यू में कल हमें इनका डेब्यू देखने को मिलेगा या नहीं। तो चलिए सेलिब वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइज, जैसा कि आपको पता होगा कि इस स्मैकडाउन से पहले वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें सेमस वर्सेस एज का लास्ट मैच देखने को मिलता है। एज टोरंटो कनाडा में जहां पे हमें स्मैकडाउन देखने को मिलता है, वो अपने करियर का लास्ट मैच रेसल करते हैं। वो ये बताते हैं WWE के कॉन्ट्रैक्ट के साथ उनका ये लास्ट मैच है और उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। काफ़ी सारे अपडेट का ये कहना है कि अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में WWE के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। काफ़ी सारे रेसलिंग सोर्स का ये मानना था कि जो भी इंटरनल जो WWE के जो ऑफिशियल हैं, सुपरस्टार हैं, उनको ये लगता है कि ऑल इलीट रेसलिंग में जा सकते हैं रेटेड आर सुपरस्टार एज। वहीं पे गाइज, ऑल इलीट रेसलिंग के जितने भी बैकस्टेज में, मतलब आप बोल सकते हो कि स्टाफ रहते हैं, सुपरस्टार रहते हैं, उनको लग चुका है कि ऑल इलीट रेसलिंग में फाइनली डेब्यू होने वाला है रेटेड आर सुपरस्टार एज का। तो कल तो हमें पता चल ही जाएगा कि रेटेड आर सुपरस्टार एज का, मतलब कल के AEW के ऑल इन पेपर व्यू में डेब्यू हुआ है नहीं। लेकिन हाँ गाइज, रूमर्स काफ़ी तगड़े आ रहे हैं कि कल के ऑल इन पेपर व्यू UK लंडन विम्बले स्टेडियम में हो सकता है कि रेटेड आर सुपरस्टार ऑल इलीट हो सकते हैं और ऑल इलीट रेसलिंग में WWE के बाद रेटेड आर सुपरस्टार का डेब्यू होगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स।